नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। सैकड़ों साल से पड़ी अयोध्या मंदिर अब बनने की दिन तय होने वाला। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया था। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में नए सदस्य की चुनाव होगी। वहीं सत्रों का दावा है कि इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए तारीख का ऐलान भी किया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी है कि कैबिनेट मंत्री में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को राम मंदिर मसले पर ऐतिहासिक फैसला के दौरान सरकार को ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था। वहीं बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे। इनमें 9 अस्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। गठन के बाद ट्रस्ट को कोई केंद्र सरकार की ओर से 1 रुपए का नगद दान भी मिला है। यह ट्रस्ट को मिला पहला दान बताया जा रहा है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पहले दान के तौर पर 1 रुपए नगद दिया गया है ताकि ट्रस्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की दशा में काम शुरू कर सके। वहीं केंद्रीय सरकार की ओर से यह दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में और सचिव डी मुर्मू ने दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट अचल संपत्ति सहित बिना किसी शर्त को भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान अनुदान अंशदान योगदान ले सकते हैं। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की परवाही करने वाले सीनियर एडवोकेट केशव अयंगर पारस ट्रस्ट में होंगे। ट्रस्ट जगत गुरु शंकर आचार्य जगत गुरु मधवन स्वामी युग पुरुषम परमानंद जी महाराज का नाम भी सदस्य में होंगे। इसके अलावा पूर्व गोविंद देवी गिरी अयोध्या के डॉक्टर अनिल मिश्रा कमेश्वर चौपाल और निर्मोया अखाड़ा के धीरेन्द्र दास का नाम भी शामिल है। फिर शुरुआत में ट्रस्ट वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रसारण आवास के कार्य लेकिन बाद में इसका स्थानीय कार्यालय खोला जाएगा। ट्रस्ट के पास राम मंदिर निर्माण और इससे जुड़ी विषय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अधिकार होगा। ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगी। इसी तरह के वीडियो और अच्छी जानकारी देखने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।